नमस्कार तरतरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप भी सीए और एनपीआर का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आते रहे। वहीं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अरविंद केजरीवाल की इमरजेंसी बैठक हुई और बैठक के बाद में बड़ा ऐलान भी किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान सामने होता हुआ नजर आ रहा है कि जल्दी शाहीनबाग और दूसरी जगहों पर जिस प्रकार सीए और एनपीआर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है इस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे भी एनपीआर और सीए लागू करने के लिए पूरी तरह से सख्त हो चुके हैं और आज विधानसभा सत्र भी प्रारंभ हो चुका है जिसके अंदर उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि एनपीआर को महाराष्ट्र के अंदर लागू कर लिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली के अंदर सीए और एनपीआर को लागू करने का ऐलान कर चुके हैं और हाल ही में शाहीनबाग के अंदर लगातार दो महीनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल से बड़ी खबरें ये भी सामने आ रही थी कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की ओर से हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया था जिसके बाद में सीए समर्थन के लोग और सीए के विरोध वाले लोग आमने सामने हो गए जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए वहां पर आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन कई लोगों से जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है जिसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से शांति रखने की अपील भी की है क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए और अरविंद केजरीवाल की नई नई सरकार बनी है। वहीं अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह की पहले भी बैठक हुई थी जिसके अंदर सीए और एनपीआर को लेकर मुख्य बातचीत का मुद्दा भी रहा था। लेकिन कल रात से बड़ी खबर यह भी सामने आ रही कि दिल्ली अब जल रही है केजरीवाल के चलते और शाहीनबाग के अंदर लोग उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह की हुई इस इमरजेंसी बैठक के बाद में बड़ा खुलासा भी सामने आ रहा है कि जिस प्रकार राजधानी दिल्ली के अंदर सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दो दिवसीय दौरे पर आए हुए और भारत और पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए लोग इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। अन्यथा अभी हाल में एनपीआर और सीए को लेकर शांतिपूर्वक विरोध किया जा रहा था जिसके ऊपर सरकार भी काफी ज्यादा ध्यान देती हुई नजर आ रही थी। वहीं सरकार गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सीए और एनपीआर एक्ट का विरोध कर सकते हैं लेकिन उपद्रव नहीं कर सकते। अब सर्जिकल होगा अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा क्योंकि अमित शाह लगातार सीए और एनपीआर को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं कि सीए और एनपीआर से किसी को डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि एनपीआर और सीए को लागू कर लिया जाएगा लेकिन मुस्लिम समुदाय की महिलाएं सीए और एनपीआर को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है और बायकॉट करने की भी कह रही है। दूसरी तरफ कई राज्यों के अंदर सीए के समर्थन और राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी के समर्थन में लोग सड़कों पर आए हुए हैं यानी कि दोनों ही आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं जिसके चलते अब देखना यह है कि एनपीआर और सीए सरकार लागू कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे की भी बैठक हुई जिसके अंदर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी के साथ में दिल्ली के अंदर अहम मुलाकात भी की। वही मुलाकात के बाद में महाराष्ट्र राज्य का पहला बजट भी शुरू हो चुका है जिस बजट के अंदर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उद्धव सरकार जल्दी सीए और एनपीआर को लेकर बजट के अंदर ही एक्ट को लागू करेगी इसके विरोध में। तभी उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कांग्रेस को लताड़ दिया कि सीए और एनपीआर महाराष्ट्र में लागू होकर रहेगा और जिस किसी पार्टी को गठबंधन तोड़ना है तो वो तोड़ सकती है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के अंदर महागाड़ी की बनी सरकार को लेकर अमित शाह का बड़ा प्लान कामयाब होता हुआ नजर भी आ रहा है और अमित शाह बड़े एक्शन के अंदर भी नजर आ रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के अंदर क्योंकि सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे की कहीं न कहीं समर्थन कर रही है जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने बयान भी दिया था उद्धव ठाकरे के द्वारा महाराष्ट्र लौटने पर कि राज्य महाराष्ट्र के अंदर एनपीआर को जरूर लागू किया जाएगा हालांकि सीए को फिर से सोच विचार कर लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाए इस पर सोच विचार कर किया जाएगा लेकिन एनपीआर को महाराष्ट्र में लागू जरूर किया जाएगा जिसके चलते सामने ये भी खबरें आई थी कि
कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी भी इसका अब समर्थन कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उद्धव ठाकरे को आश्वासन दिया था और गृह मंत्रालय ने भी झटका दिया था कि अभी सही समय नहीं है एनपीआर और सीएए लागू करने का। जैसे ही सही समय आएगा उसके चलते ही एनपीआर और सीएए को हर एक राज्य के अंदर लागू कर लिया जाएगा। लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था कल का और आज 24 और 25 फरवरी दो दिवसीय दौरे पर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप और ताजमहल का दीदार भी किया था और उसी के चलते ही राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार से विद्रोहियों का ये सामना होता हुआ नजर आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह दोनों अब एक हो चुके हैं और वहीं अब योगी आदित्यनाथ की तरह ही उत्तर प्रदेश की तरह जिस प्रकार सीएए और एनपीआर को लागू किया गया था उसी प्रकार महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ का डंडा चलाकर सीए को लागू किया जाएगा, जिसके समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह खुद भी आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी इसके समर्थन में आए। जब बात करें दिल्ली के बड़े वकील और नेता कपिल सिंबल के, तो उन्होंने भी बयान दिया था कि सीए और एनपीआर को हर एक राज्य के अंदर लागू करना चाहिए, इसे डरने की किसी को जरूरत भी नहीं है क्योंकि सीए किसी के विरोध में नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से आने वाले हर एक नागरिक को सीए के तहत ही नागरिकता दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव सरकार ये भी कह रही है कि धर्म के नाम पर सीए को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी एनपीआर को लागू कर लिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के अंदर, जिसके बाद में एनसीपी और कांग्रेस के बीच में मतभेद होता हुआ नजर आया। उद्धव सरकार के अंदर अंदरूनी खबरें आनी शुरू हो चुकी थी कि गठबंधन को तोड़ दिया जा सकता है। वहीं बजट प्रारंभ भी हो चुका है और उद्धव ठाकरे का ऐलान भी हो चुका है। और दूसरी तरफ 7 मार्च को उद्धव ठाकरे अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए भी जा रही है, जिसके अंदर बीजेपी कयास लगा रही है कि उद्धव ठाकरे वहां से बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं कि सीए और एनपीआर को महाराष्ट्र राज्य के अंदर लागू किया जाएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल इसके समर्थन में भी आ चुके हैं और उनका मानना यह भी है कि राजधानी दिल्ली के अंदर शांतिपूर्वक आप विरोध कर सकते हैं, हालांकि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है और सीए और एनपीआर को जल्द ही सभी राज्यों के और दिल्ली के अंदर भी लागू किया जाएगा। क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर शाहीनबाग के अंदर हो रहे प्रदर्शन को लेकर केजरीवाल पर कई बयान तीखे तेवर भी दिखाए जा रहे हैं विपक्ष की पार्टियों के द्वारा, क्योंकि राज्य दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने के कारण वहां पर केंद्र की और राज्य की दोनों की सरकार चलती है और दोनों को मिलकर फैसला लेना पड़ता है, जिसके चलते इमरजेंसी बैठक के अंदर अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह की दोनों की बैठक हुई। और बैठक के बाद में बड़ा खुलासा सामने ये भी आया कि अब दोनों मिलकर करेंगे सर्जिकल शाहीन बाग के ऊपर, क्योंकि लोग वहां से हटने का नाम भी नहीं ले रहे और दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। जिसके बाद में बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है दिल्ली के ऊपर से कि दिल्ली के अंदर सीए को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा और हाई कोर्ट ने भी झटका देते हुए कहा कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर अगर सांसदों ने सीए और एनपीआर का समर्थन किया है तभी जाकर सीए और एनपीआर पारित हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर आखिर उन्होंने समर्थन नहीं किया होता तो इस बिल को पारित होने की संभावनाएं नहीं थी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सीए और एनपीआर का राज्यसभा और लोकसभा के अंदर सांसद और विधायकों ने समर्थन किया था, लेकिन अपने राज्यों के अंदर लागू करने के लिए उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पर तीनों की महागाड़ी की बनी सरकार के बाद में उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन कम होता हुआ नजर आ रहा, जिसके चलते उनके ही भाई राज ठाकरे ने अलग से एमएनएस पार्टी का ऐलान कर नई पार्टी बना ली और लगातार वो तीखे बयान भी दे रही है राज ठाकरे के ऊपर। वहीं राज ठाकरे ने यह भी कहा कि उद्धव धीरे धीरे राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा के साथ में फिर लौटेंगे और फिर से महाराष्ट्र में होगा गठबंधन सीए और
एनपीआर को लेकर। वहीं भाजपा के साथ में कई वर्षों से शिवसेना का गठबंधन भी रहा है, जो 50-50 के फॉर्मूले पर तय होकर तोड़ दिया गया था। लेकिन दिल्ली के अंदर अब शाहीनबाग में और अन्य जगहों पर जिस प्रकार सीए का विरोध हो रहा है, उसके अंदर अब एनपीआर और सीए को जल्द राज्य सरकार और केंद्र की सरकार लागू करेगी, क्योंकि इमरजेंसी बैठक के अंदर कई अहम फैसलों पर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश हो चुके हैं। और केजरीवाल को भी लताड़ा गया सीए को लेकर, क्योंकि केजरीवाल का भी मानना है कि सीए का वो समर्थन कर रही है। लेकिन अब धीरे धीरे केजरीवाल भी खुलकर सामने आ रहे हैं कि वो एनपीआर और सीए का पूर्ण रूप से समर्थन भी कर रहे हैं। और दिल्ली की जिस प्रकार लोगों ने कहा था कि हम एनपीआर और सीए के खिलाफ केजरीवाल की पार्टी को वोटिंग करेंगे, और उन्होंने 62 सीटों पर जीत हासिल भी की थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल का बी प्लान और भाजपा का ए प्लान कामयाब हो चुका है दिल्ली के अंदर, और जल्दी सीए और एनपीआर को लेकर पूरी तरह से लागू कर लिया जाएगा एक्ट, और जिसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण बिल भी लाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, जिसका यूसीसी के नाम से काफ़ी ज़्यादा बोलबाड़ा भी चढ़ा हुआ है, और कई समुदाय के हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि भाजपा की सरकार आगे क्या प्लानिंग बनाकर सीए एनपीआर और एनआरसी को लागू करेगी, और जनसंख्या नियंत्रण बिल यूसीसी को भी लेकर आएगी। वहीं राज्य यूपी के अंदर सीए एनपीआर और एनआरसी को योगी सरकार ने लागू कर लिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान कोई पहुंचाएगा तो उसकी भरपाई उसे खुद करनी होगी, जिसके चलते शांतिपूर्वक राजधानी लखनऊ और यूपी राज्य के अंदर सीए को लागू कर लिया गया है, और लोग भी इसका समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर इसका विरोध किया जा रहा है। वही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहे, और हमें भी हौसला मिल सके कि हम आपके लिए बड़ी खबरें लेकर आते रहे एनआरसी और सीए और शाहीनबाग के ऊपर, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।